देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज एक बफर से। स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकर आए हैं हम आप सभी के बीच बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरी। इस शो में आज हम उस अधूरी प्रेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, जिसकी वजह से बॉलीवुड की मेलोडी क्वीन वन एंड ओनली स्वर कोकिला लता मंगेशकर रह गई जिंदगी भर के लिए कुंवारी। उनकी जिंदगी में अगर आज कोई हमसफर नहीं, जीवन साथी नहीं, तो उसकी वजह वो उनकी मोहब्बत है जो कि रह गई अधूरी, कहा तो यही जाता है। तो आज उनकी मोहब्बत की फिर से वही अधूरी दास्तां हम आपके बीच सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे वो शख्स जिसने लता के दिल में प्यार की उमंग जगाए, सपने दिखाए उन्हें, ख्वाब सजाए उनके लिए शादी के, लेकिन शादी के ठीक समय अधूरे रह गए सारे ख्वाब। कौन है वो शख्स जो कि शाही परिवार का था, जिसने लता के दिल में प्यार के फूल खिलाए, लेकिन शादी के समय दुल्हन बनने के सपने देखने वाली लता मंगेशकर दुल्हन बनते बनते रह गई ताउमर कुमारी। जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वेल दर्शकों, आज हम एक बफर से आप सभी के बीच बात करने जा रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। वैसे तो हमने आपको कई बार बताया है, लता मंगेशकर ने खुद कहा है कि उन्हें कभी भी शादी की कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं हुई। लेकिन आज हम आपको एक बफर से बताने जा रहे हैं लता मंगेशकर के बारे में ये बात जो शायद आपने सुनी ना हो। दुर्गापुर के शाही परिवार के फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट क्रिकेटर रहे राज सिंह के साथ जिस लता मंगेशकर का था सबसे गहरा रिश्ता, उनके बारे में आज हम एक बफर से आप सभी के बीच बात करना चाहेंगे। कई कहानियां आपने सुनी होंगी लता मंगेशकर और राज सिंह के बारे में। लता मंगेशकर और राज सिंह की कहानियों के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि राज सिंह वही शख्सियत है जिनके साथ ताउमर लता मंगेशकर ने दोस्ती का रिश्ता रखा, लेकिन ये दोस्ती शादी में बदलने वाली थी। इस महाराजा के घर पर लता मंगेशकर के होने वाली थी शादी। लता मंगेशकर बनने वाली थी इस महाराजा के घर की दुल्हन, लेकिन राज सिंह के पिता ने नहीं होने दी लता मंगेशकर और राज सिंह की शादी, क्योंकि कॉमन परिवार से थी लता मंगेशकर, तो वहीं राज सिंह थे एक बड़े शाही परिवार के, जिसके कारण राज सिंह के परिवार वालों ने रजामंदी नहीं दी इस रिश्ते को। यही कारण है कि ताउमर फिर दोबारा प्यार करने की हिम्मत लता मंगेशकर को नहीं हुई, वो ताउमर रह गई कुंवारी और अकेली। क्या आपको दर्शकों ये मालूम है कि लता मंगेशकर दरअसल राज सिंह से कैसे मिली? वो दरअसल हृदयनाथ लता मंगेशकर के भाई के फ्रेंड हुआ करते थे। यही कारण है कि ये दोनों अक्सर मिला करते थे। वैसे तो शादी नहीं होने के बावजूद लता ने कभी भी ये दोस्ती नहीं तोड़ी। लता मंगेशकर की बात करें तो लता ने जिंदगी भर राज के साथ दोस्ती बनाए रखने का फैसला लिया। लेकिन ये भी सच है कि राज सिंह जो दुर्गापुर के थे, जो कि हमेशा हमेशा के लिए चल बसे, आज नहीं बल्कि साल 2009 में ही उनका निधन हो गया था। 12 सितंबर को जब ये खबर आई थी, फैंस काफ़ी हैरान रह गए थे। उनके बारे में बात की जाए तो राज भाई कहा जाते थे वो, क्रिकेट फेटर्निटी उन्हें राज भाई कहते थे। 73 की उम्र में दुर्गापुर के रहने वाले राज भाई का निधन हो गया था। महाराजा के घर के ये चिराग जो कि लता मंगेशकर से प्यार किया करते थे, शादी दोस्ती शादी में बदलने वाली थी, दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन प्रोट्रैक्टेड इलनेस की वजह से जो हमेशा के लिए चल बसे उस राज सिंह का रिश्ता लता के साथ शादी तक नहीं जा पहुंचा। कहा जाता है कि राज के पिता को नहीं मंजूर था ये रिश्ता और पिता का सम्मान बहुत करते थे राज सिंह, इसी कारण से इन दोनों ने अपने शादी के सपनों को तोड़ दिया। वैसे तो भाई बहन की बात की जाए तो लता अपने भाई बहनों के साथ हमेशा रही, लेकिन फिर उन्होंने शादी के सपने नहीं देखे, क्योंकि एक बार ये शादी का सपना जो टूटा, दोबारा लता शादी के सपने नहीं देख पाई। वैसे हम आपको एक और बात बताना ज़रूर चाहेंगे, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन लता मंगेशकर राज सिंह के गुजरने के बाद काफ़ी तकलीफ में रही थी। कई लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन वो काफ़ी इमोशनल भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा दर्द में भी रही थी।
लता मंगेशकर 92 की उम्र में आज बिल्कुल कुंवारी अकेली सफ़र कर रही हैं। परिवार तो उनके साथ है लेकिन प्यार जीवन साथी कुछ भी नहीं उनकी ज़िंदगी में। दुर्गापुर के रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले उस बैचलर की ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ भरी रही क्योंकि प्यार तो उन्हें भी नहीं मिला। आज हम एक बफर से उसी राज सिंह के बारे में आपको बता रहे हैं। फॉर्मर इंडिया टीम मैनेजर और एक्स चेयरमैन जो कि सीनियर सेलेक्शन पैनल के रहे थे, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे वो, जिन्होंने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI में फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया 13 साल तक, जब तक वो बीमार नहीं पड़े थे। अपने ही रेसिडेंस में वो हमेशा के लिए चल बसे थे। साल 1935 में 19 दिसंबर की तारीख को जन्म लेने वाले महारावल लक्ष्मण सिंह के घर के सबसे छोटे बेटे राज सिंह के बारे में कहें तो वहाँ उनका राजपाट काफ़ी था। रणजी ट्रॉफी उन्होंने खेला था 16 साल के लिए और साल 1955 से लेकर साल 1971 तक मीडियम फास्ट बॉलर के तौर पर उनकी काफ़ी तारीफ होती थी। कहा जाता है कि 86 मैचेस और 206 विकेट 86 मैचेस में लेने वाले इस गैंगलिंग बॉलर की काफ़ी तारीफ भी होती थी। लोग जो कि विजय मांजरेकर की तरह कहते हैं, रब्ड शोल्डर की वजह से तारीफ़ों में रहते थे हनुमंत सिंह और सलीम दुरानी के बीच। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने पढ़ाई की थी दिल्ली कॉलेज से। अक्सर उनकी मुलाकातें बुढ़ापे में भी लता मंगेशकर के साथ होती थी। मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर के इतने करीब रहे वो, इतने क्लोज फ्रेंड रहे वो, इस कारण से उनके अफेयर की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। हाँ, ये बात अलग है कि कभी भी लता के साथ उनकी शादी के सपने पूरे नहीं हो पाए थे। ये बात भी हम आपको आज बताना चाहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ठाट बाट में रहते थे राज सिंह। गारपुर के रहने वाले इस राज सिंह की बात की जाए तो मुंबई में ही वो अंतिम सांस ले बैठे जहां लता मंगेशकर रह रही थी, जिस शहर में वो रह रही थी। ये भी आपको बताना चाहेंगे कि लता मंगेशकर को ये पता चली थी, वो काफ़ी दुखी भी हुई थी। लता मंगेशकर के ट्विटर की बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे ट्विटर पर लता मंगेशकर अक्सर एक्टिव रही हैं और राज सिंह को लेकर लता मंगेशकर के कम ही आपने संदेश सुने होंगे। हाँ, ये बात लेकिन सच है कि लता आज जो अकेली हैं, इसके बावजूद बाकियों से बहुत ज़्यादा उनका रिश्ता अलग था। हाँ, ये सच है कि राज सिंह के ज़्यादा करीब रहीं लता मंगेशकर को, उनकी हमेशा याद तो सताती ही रही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें हमने आपको बताई स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज वो अधूरी प्रेम की कहानी, जो कि हमेशा अधूरी रही, जो दिल में सिर्फ और सिर्फ अधूरी इच्छा बनकर रह गई। हाँ, ये सच है कि लता कहती हैं कि कोई नहीं है इच्छा उनके अंदर अब शादी का और कोई उनके जिंदगी में कमी नहीं, लेकिन ये तो इनके दिल में ही पता होगा उन्हें कि कितना उनके दिल में ख्वाबों के फूल खिलाकर राज सिंह ने उनके साथ जो सपने देखे, वो सपने टूटने का दर्द उन्होंने झेला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अनटोल्ड लव स्टोरी में इतना ही। फिर लौटेंगे आपके बीच इस शो के अगले एपिसोड को लेकर, यानी कि बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरी में ऐसी ही एक प्यार की अधूरी कहानी, प्यार की वो दर्द भरी दास्तां आपके बीच पेश करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।